भारतीयों की सुबह और शाम का पसंदीदा साथी है चाय। यहाँ शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ सुबह उठते ही गर्म पानी में उबलती चाय की महक ना आती हो। लेकिन ये चाय आई कहाँ से, कैसे इस चाय ने लोगों के जीवन में अपनी खास जगह बना ली। कहा जाता है आविष्कार शब्द के पीछे गहन अध्ययन और कड़ी मेहनत होती है, तभी किसी नई चीज की खोज संभव हो पाती है। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा आविष्कार अनजाने में हो जाए तो इसे किसी रोमांचक चमत्कार से कम नहीं समझना चाहिए। और आज ऐसे ही एक दिलचस्प आविष्कार की बात करते हैं जिसने हमारी लाइफ को इतनी उम्दा खोज दी है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी राहत बढ़ गई है। एक खास आविष्कार से जुड़ा ये किस्सा है चाय का, जिसे किसी ने खोजा तो नहीं लेकिन चाय ने खुद आकर हमें खोज लिया। तो चलिए आज चाय के आविष्कार और चाय से पहली मुलाकात के बारे में जानते हैं। चाय का ये दिलचस्प इतिहास चीन से शुरू हुआ। आज से करीब 5000 साल पहले चीन के सम्राट शैन नुंग अपने गार्डन में बैठे हुए थे। उन्हें गर्म पानी पीने की आदत थी और उस दिन उनके गार्डन के एक पेड़ की कुछ पत्तियां उनके उबले हुए पानी में आकर गिर गईं। उसके बाद पानी का रंग बदल गया, लेकिन उसमें आने वाली खुशबू इतनी अच्छी थी कि सम्राट उसे चखे बिना रह नहीं सके। सम्राट ने वो पानी पिया, उन्हें उसका स्वाद खूब पसंद आया और उसे पीने से उन्हें शरीर में स्फूर्ति का भी एहसास हुआ। उस समय चीन के सम्राट ने इस अनोखे पेय को चा आ नाम दिया। इसका चाइनीज भाषा में अर्थ है चेक करना और इन्वेस्टिगेट करना। ऐसे में चाय की खोज का श्रेय चीन के सम्राट शैन नुंग को दिया गया। 1610 में डच व्यापारी चीन से चाय को यूरोप में ले गए और उसके बाद धीरे धीरे चाय दुनिया के फेमस पेय पदार्थों में शामिल होती चली गई। भारत में 1815 में कुछ अंग्रेज यात्रियों ने असम में उगने वाले चाय की झाड़ियों को देखा, जिसे वहां के कबायली लोग पेय बनाकर पीते थे। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने 1834 में भारत में चाय के उत्पादन के लिए कमेटी बनाई और 1835 में असम में चाय की खेती शुरू कर दी गई। इस तरह चीन से भारत आई चाय एक लंबे समय तक उच्च वर्ग के लोगों की पसंद बनी रही और धीरे धीरे हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने वाली चाय आज भारत के पसंदीदा और प्रसिद्ध पेय पदार्थों में बड़ी शान से शामिल है। अब ये तो रही चाय के आविष्कार की बात, लेकिन हमारा देश सिर्फ आम चाय तक ही सीमित नहीं है। तंदूरी चाय की महक आपको अपनी ओर खींच लेगी। देश के कई हिस्सों में इस अनोखी चाय का लुत्फ उठाते लोग आपको मिल ही जाएंगे। इस चाय को तंदूर में गर्म किए कुल्हड़ की मदद से बनाया जाता है, इसलिए इसे तंदूरी चाय कहा जाता है। हैदराबाद में बिरयानी के अलावा एक और चीज जो इसे खास बनाती है वो है यहाँ की ईरानी चाय। इसका भी चस्का खूब लाजवाब है। यहाँ के लोग ईरानी चाय के साथ बिस्किट जरूर लेते हैं। पहले लोग ऊंट के दूध से ईरानी चाय बनाते थे, लेकिन अब गाय के दूध से भी ईरानी चाय को बना लिया जाता है। साथ ही इस चाय में खास तरह का चाय मसाला डाला जाता है, जिस वजह से यह चाय बेहद खास बन जाती है। भोपाल यूं तो झीलों का शहर कहा जाता है। पुराने भोपाल में ऐसी कई चीजें हैं जो नए भोपाल में देखने को नहीं मिलती है। उन्हीं में से एक है सुलेमानी चाय या नमक वाली चाय, जो कि खास तौर से पुराने भोपाल में मिलती है, जिसे लोग बेहद पसंद करते हैं। चाय की और किस्मों की बात करें तो व्हाइट टी शुद्ध और सभी चाय में सबसे कम प्रोसेस्ड होती है। ग्रीन टी सबसे मशहूर और एशिया में खासी पसंद की जाती है। ओलांग टी चीनी चाय है जो चाइनीज रेस्तरां में परोसी जाती है। ब्लैक टी को केवल गर्म पानी में पत्तियां डालकर या दूध या शक्कर के साथ भी पिया जाता है। हर्बल टी में किसी भी प्रकार की चाय की पत्तियों का इस्तेमाल नहीं होता। amarujala.com अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।